वासुदेवपुर कोलेरी के मजदूरों ने रोजगार की मांग और प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लगाए जाने को लेकर मासस और आजसू के बैनर तले किया धरना प्रदर्शन। बीसीसीएल के सीजुआ क्षेत्र संख्या 5 अंतर्गत वासुदेवपुर कोलेरी में असंगठित मजदूर के रूप में काम कर रहे मजदूरों को कंपनी और ट्रांसपोर्टर के द्वारा बैठा दिया गया था, जिसे लेकर ठेका मजदूरों लगभग 1.5 माह से वासुदेवपुर कोलेरी के समीप धरना दे रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा धारा 144 और 107 लगा दिया गया, जिसे लेकर मंगलवार को मासस नेता रूप चैटर्जी और आजसू जिला अध्यक्ष मंटू मातो की अगुवाई में सैकड़ों ठेका मजदूर धनबाद पहुंचकर जिला परिषद मैदान से जुलूस निकाले, जो रणधीर वर्मा चौक पहुंचे, जहां कंपनी प्रबंधन, ट्रांसपोर्टर और जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों की मांग है कि वासुदेवपुर कोलेरी में 22 दंगल ठेका मजदूर काम करते थे, इसे फिर से काम दिया जाए, बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाए, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए धारा 144 और 107 को हटाया जाए। वहीं वासुदेवपुर कोलेरी में अरब रुपए की कोयला की हेर फेर का आरोप भी लगाया गया। कहा कि आरोम कोयला के डीओ पर स्टीम कोयला भेजा जा रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे मासस की निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और आजसू के धनबाद जिला अध्यक्ष मंटू मातो उपायुक्त उमाशंकर सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि वासुदेवपुर कोलेरी के ठेका मजदूर के साथ धनबाद के जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक जुलूस निकाल कर आए और मांगों को लेकर धरना दिया। कहा कि वासुदेवपुर में 22 दंगल असंगठित मजदूर लोडिंग का काम करते थे, जिसे कंपनी और ट्रांसपोर्टर के द्वारा निकाल दिया गया और फर्जी तरीके से मजदूर दिखाकर डीओ में आरोम के जगह पर स्टीम कोयला दिया जा रहा है, जिससे अरब रुपया का नुकसान बीसीसीएल को हो रहा है। वहीं कंपनी बीसीसीएल जिला प्रशासन की मिली भगत से लूट हो रही है। यहाँ वासुदेवपुर कोलियरी जो बीसीसीएल की कोलियरी है, वहाँ के तमाम ठेका मजदूर आज जुलूस लेकर आए हुए और पिछले 1.5 महीना से वहाँ लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना में बैठे हुए थे। एसडीओ ने 144 और 107 का जो उसको हटाने की कार्रवाई की। लोग वहाँ जो मजदूर काम करते थे, 22 दंगल काम करते थे, आज 22 दंगलों में से कुछ दंगल काम कर रहे हैं और कुछ दंगल को काम नहीं मिल रही। लोगों ने जिला प्रशासन को गुहार लगाया, लेकिन जिला प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए इन लोगों को मजदूरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन से ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर एवं आउटसोर्सिंग मालिक के पक्ष से काम कर रहे हैं और आरओएम का पैसा दे के बोला स्टीम कोयला ले जा रहे हैं, जिससे एक एक टन में हम समझते हैं जो 2.5 से 3 हज़ार की प्रॉफिट हो रही है। लोग वहाँ लूट खसोट मचा रहे हैं, खरबों रुपया की लूट आज बीसीसीएल में हो रही है। 50,000 टन डीओ लगा हुआ है सिर्फ वासुदेवपुर कोलियरी में, उस डीओ के माध्यम से ये लूट हो रही है और मजदूरों को आपस में लड़ाकर ट्रक एक के बाद एक निकल रहे हैं, इस पर कोई निकाल रही है। आजसू जिला अध्यक्ष मंटू मातो ने कहा कि वासुदेवपुर में ठेका मजदूरी के तौर पर काम कर रहे मजदूरों का रोजगार छीन लिया गया और शांतिपूर्ण धरना दे रहे स्थल पर जिला प्रशासन के द्वारा धारा 144 और 107 लगा दिया गया, जो कि एक पक्षीय कार्रवाई है, जबकि एक तरफ कंपनी ट्रांसपोर्टर से मिली भगत कर कोयले की लूट मचा रही है। वासुदेवपुर कोलेरी सीवा क्षेत्र 5 के अंतर्गत लगातार असंगठित मजदूर वहाँ पे रोजगार का, मजदूरी बढ़ाने का, सभी मजदूरों को काम दे, मजदूरों का हाथ में सीधा पैसा दे, आज कैसे कई विषयों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं, जो डीओ धारक लगे हैं, वो लोग वहाँ फर्जी सरदार खड़ा करके, फर्जी मजदूर करदा खड़ा करके एक मजदूरी को पैसा नहीं देते हैं। ऊपर से वहाँ पे मजदूरों को फूट डाल करके रखे हुए हैं, वहाँ मजदूरों को पड़े हुए हैं, वहाँ पर आरोमों की जगह में स्टीम कोयला छटवा करके डीओ धारक ले जा रहे हैं। इस तरह से पूरी सिस्टम वहाँ पे कोयला लूट में लगा हुआ है और गरीब मजदूरों को जो न्याय मिलना चाहिए, उनको जो इंसाफ मिलना चाहिए, जो रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, जिसको लेकर के मजदूर लगातार वहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन भी चला रहे थे। 144 लगा दिया गया, गरीबों पर 107 लगा दिया गया, विधि व्यवस्था का हवाला दिया गया कि विधि व्यवस्था के चलते हम लोग 107 लगाए, लेकिन 107 एक पक्ष किससे विधि व्यवस्था खराब है, वहाँ तो दूसरा पक्ष 144 को 107 में जिन मजदूरों पर किया गया, वहाँ दूसरा पक्ष को तो दर्शाया ही नहीं जा रहा कि किससे विधि व्यवस्था खराब होता,
जिस तरह से प्रशासन जो है एकदम ट्रांसपोर्टर लोग के साथ में डीओ धारक के साथ में मिलकर के मजदूरों का जितना हक अधिकार है ठेकेदार से मिलकर के लूट में मचे हुए हैं, वहाँ कोयला का घोटाला किया जा रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जाँच हो और मजदूरों के साथ में न्याय हो, जो इनका मांग है वो।